रिकॉर्ड। चलो सबसे पहले बात करेंगे एक्सियल। आप देखो आज याद है हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल में, इक्वेटोरियल में, और फिर जनरल सर, पॉइंट के लिए, यस सर, है ना। सेम टू सेम बच्चे आज करेंगे, सेम टू सेम एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, और जनरल पॉइंट के लिए करें। यस सर। चलो आओ सबसे पहले करेंगे सर एक्सियल के लिए। एक्सियल तो सबको पता है सर, मैं यहां बनाऊं तो सर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज। आज के लिए मैंने ये तीन टॉपिक सिर्फ इसीलिए रखे हैं बच्चे ताकि तुम खुद करोगे। सबसे पहले जो बच्चे, जिन बच्चों के पास नोटबुक और पेन नहीं है, पहले अपने वहां से नोटबुक और पेन लेके बैठे, और जो फोन को ऐसे पकड़ के खड़ा है सेल्फी की तरह, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, वो उसको किसी डेस्कटॉप पे रखे या किसी टेबल पर रखे। समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कल Yes, मैंने sir. देखा और परसों भी मैंने देखा कई बच्चों की मतलब वीडियो गलती से ऑन हो गई थी, और मैं देख रहा था वो बच्चा कैसे बैठा था, ऐसे लेट के, ऐसे लेटा हुआ था, और यहां तक उसने ऐसे चढ़ा रखा था फोन। क्या उसको कुछ समझ में आएगा नो बताओ? सर, अगर समझ में भी आ गया तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे हाथों को चलाना, लिखते रहना। लिखोगे तो समझ में आएगा, कम से कम ये लिख दोगे, लिखते रहोगे लिखते रहोगे, कुछ भी समझ में आया रहा, कहीं कोई कहीं ये भी लिख दिया होगा, फिर बॉस करो ये तो। कभी कभी तो दिमाग में बैठेगा सर ये 2 + 2 मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ, दिमाग में आएगा ना? यस सर। हाँ, तो ये लिखने से आएगा बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। चलो तो एक्सियल का मतलब क्या होता था, कौन बताएगा मुझे? सर ऐसी लाइन जिसके ऊपर दोनों पॉइंट दोनों चार्जेस लाई करें। हाँ मतलब जहां पर वो डाइपोल लाई कर रहा है, डाइपोल की ही लाइन पर, राइट, एक्सिस एक्सिस को। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माइनस क्यू और प्लस प्लस क्यू, क्यू। ये हो गया एक डाइपोल। इसी लाइन पर अगर मेरा पॉइंट लाई करे पी पॉइंट को ही, तो वो पी पॉइंट कौन से लाइन पर है, इसका मतलब एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे। चलो अब इसी पी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेते थे हम, टू टू ए, ए और सारे डिस्टेंस लेते थे सेंटर से, और सेंटर को ओरिजिन मानते थे। तो ये इधर वाला कितना हो गया ए, इधर ए वाला भी कितना हो जाएगा ए, ए और पी पॉइंट की दूरी को मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट से आर। कितनी दूर है, वेरी गुड, आर पॉइंट दूर है। क्लियर है? यस सर। अब सेम यस टू सेम सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो करते थे, सेम टू सेम किस में करोगे, पोटेंशियल में। बट याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो ऐसे लिखते थे ई ने, अब मैं इनका नंबरिंग दे दूं, ये 1 है ये 2 है, तो ई नेट लिखते थे E1 प्लस E2। इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करते थे, कैसे ऐड करते थे, कैसा सम था? हाँ, डायरेक्शन देखते थे फिर ऐड करते थे। लेकिन क्या पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है? नो सर। तो इसमें तो बहुत आसान काम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल निकालो और दोनों को सिर्फ क्या कर दो, सीधा ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? बस यस सर। साइन का ध्यान रखो। तो तुमने क्या करना है, पहले V1 निकालना है, फिर क्या निकालना है बच्चे, फिर क्या निकालोगे, V2। टू, और फिर V नेट वैल्यू, V की पॉइंट P पर कितनी आएगी, V1 प्लस V2। V1 V2 V2। तुम्हारा काम है, V का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है जनरल, K Q upon R। तुम्हारा काम है V1 निकालो और V2 निकालो। R क्या होता था, R सर उस चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब जहां पर मेरा चार्ज है और वो जो पॉइंट जहां पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, जो पॉइंट यहां पर क्या है, पॉइंट P। तो करो फटाफट V1 बताओ क्या वैल्यू आएगी फटाफट। V1 की वैल्यू बताओ मुझे फटाफट, नहीं बता रहे, इतनी देर का सर, काम कर रहे हैं क्यू अपॉन आर प्लस वन, आर प्लस ए, आर प्लस वन कैसे बोल दिया तुमने, आर प्लस ए सर। हाँ हाँ ठीक है, वो तो आर प्लस वन भी हो सकता था कहीं, चलो देख कहीं मैं गलत, मैं सही तो नहीं सोच रहा था तुम। चलो बढ़िया, क्या लिखा, के भाई फॉर्मूला तो यही यूज करना है, क्यू अपॉन में आर प्लस वन ए, आर ए पी का स्क्वायर, आर प्लस ए। ए, वेरी गुड। क्यों बच्चे, क्योंकि इस पॉइंट से पी तक की दूरी कितनी है, ये हो गया पूरा ए, ये हो गया आर, तो ये पूरा कितना हो गया, आर प्लस आर प्लस ए।
सबको क्लियर है क्या? नीचे आर प्लस ए क्यों लिया डिस्टेंस? अच्छा अब एक गलती हो रहा है, कर रहे हो क्या गलती कर रहे हो? V1 में ध्यान से देखो एक so minus. हाँ वेरी गुड, क्या साइन आएगा? माइनस का, तो आगे क्या लगा दूं? माइनस, क्लियर है? यस सर, यस सर। अब सेम सर, yes, sir. इसके लिए करोगे V टू के लिए। अरेन माइक ऑफ, बच्चे माइक ऑफ। रास्त बाइक चलाते चलाते पड़ रहा है क्या आर्यन? सर V2 की वैल्यू आएगी K into Q upon R minus A। वेरी गुड बच्चे निशांत, वेरी गुड। सबका आ रहा है क्या ये? सर इसके आगे ना मैंने वो मेरा नीचे R square minus A square आ रहा है। इसके आगे, इसके आगे का स्टेप बोल रहे हो क्या? हाँ जी। हाँ यहाँ तक बताओ पहले, यहाँ तक V1 और V2 सबको समझ में आया? V1 सबको आ गया, V2 बताओ, V2 समझ में आया भाई? यहाँ पर है V2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? R माइनस है। क्यों? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेता हूँ सारे, सेंटर से P तक का दूरी है R और ये है A, तो इतनी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस A। क्लियर है सबको? यस सर। चार्ज से लेकर पॉइंट तक की दूरी होती थी ना, चार्ज से पॉइंट तक की दूरी, तो ठीक है। अब दोनों को क्या कर दूं बच्चे? प्लस प्लस पहले, लेकिन साइन के साथ। पहले की वैल्यू कितनी है? माइनस के क्यू आर प्लस ए। दूसरे की कितनी है? प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए। तो के क्यू दोनों में कॉमन ही ले लेता हूँ ना सर। यस सर। अंदर क्या रह जाएगा? वन डिवाइडेड बाय आर माइनस ए माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस ए, यही रह जाएगा क्या? यस सर। यस सर। क्योंकि आर माइनस ए पॉजिटिव का है तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया। आर प्लस ए किसका है? नेगेटिव का, तो मैंने पहले लिख दिया। और तो कोई दिक्कत ही है? नो सर। चलो आओ, आइए 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 आइए। अच्छा के क्यू, अब क्या करूं? नीचे एलसीएम ले लू, क्या आएगा नीचे एलसीएम? आर माइनस ए आर प्लस ए। वेरी गुड। आर माइनस ए से आर माइनस कट गया, क्या ऊपर क्या आ जाएगा? R प्लस ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए, यही आएगा क्या? क्लियर है? किसी बच्चे को, बच्चे हल्का सा भी डाउट है ना प्लस और माइनस का भी, तो भी मेरे से पूछे, चुप नहीं बैठेगा कोई भी। क्लियर है? यस सर। यस सर। के क्यू नीचे क्या बन जाएगा? देखो आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, यही आ रहा है क्या? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आर से आर तो गया सर, तो के इंटू क्यू इंटू टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आ रहा है। टू ए को पी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, क्यू इंटू टू ए क्या होता है बच्चे? क्यू इंटू टू ए सबको पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको पता है ना चार्ज इंटू उसके बीच का डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट होता है सर। तो बहुत बढ़िया बच्चे, पी से डिनोट कर देंगे। हाँ पी से डिनोट कर दो, कर लेंगे क्या आप सब? यस सर। चलो यस सर, एक सेकेंड दो मुझे, एक सेकेंड दो। चलो तो बताओ Q into 2A क्या आया था बच्चे? 2P। तो मैं इसको यहां पर आगे लिख देता हूं थोड़ा ताकि सबको समझ में रहे। तो मैं क्या लिखा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? V is equal to K Q into 2A divided by R square minus A square, यही आया था। ठीक है, तो Q into 2A upon KP P, तो इसको क्या लिख दिया बच्चे? P, तो इसको आ जाएगा KP upon R square minus A square upon में R square minus A square। P के ऊपर वेक्टर आएगी, क्या कह रहे हो? P क्या आएगी? वेक्टर। हाँ बिल्कुल वेक्टर आएगा P, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? करेंगे अभी हम, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, क्योंकि V तो हमारे पास कैसा है? स्केलर। स्केलर। तो सर अब एक बात बताओ, K into P R square minus A square,
अच्छा ये तो हम वैसे वहां पर भी करते थे, बट अब इसके बाद एक और स्टेप करते थे, स्पेशल केस आ जाता था सर। स्पेशल केस क्या था वो? स्पेशल सर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सर, वो याद है ना वो ढोल पिक्चर वाली बात, दो बाइक आ रही थी लेकिन लग क्या रहा था सिर्फ एक क्या आ रही है, R is very very greater than A. समझ में आया? याद आया वो एग्जांपल जो मैंने बताया था? Yes sir. Yes sir. यहाँ पर क्या होता था, R बहुत बड़ा हो जाता था A से, तो A को neglect कर देता था, तो A की value zero put करो तो answer क्या आ रहा है potential का? Kp upon R square. Very good. तो जब axial point की बात करेंगे, ये R बहुत बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं special case का नाम है? Short dipole. क्या बोलते हैं? Short dipole. क्योंकि ए की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाती है आर के कंपैरिजन में, मतलब लेंथ, ए क्या होता है उनके बीच की दूरी पे डिपेंड कर रहा है ना ए, तो उनकी दूरी बहुत कम है यानी डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है, तो इसको क्या बोल दिया? शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। और इसका अभी फॉर्मूला आया वी इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर का स्क्वायर। क्या सबको एवरीबॉडी कोई इशू है तो बताओ मुझे सर, पी के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं आया? अरे लगा दो केस दोबारा समझा दोगे? क्या कह रहे हो बच्चे बताओ? स्पेशल केस दोबारा बता दोगे? क्या कहां से बताओ, कहां से? स्पेशल केस, अच्छा स्पेशल केस कह रहे हैं कि जब आर बहुत 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 बड़ा हो जाए, मतलब ये जो आर पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, ये बहुत 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 दूर हो बच्चे, बहुत दूर, तो ए की वैल्यू बहुत क्या दिखेगी? कम दिखेगी। ए मतलब डाइपोल तो बहुत छोटा हो और वो जहां पर पॉइंट है वो बहुत दूर हो, तो ए की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ए को नेगलेक्ट कर दो बच्चे, ए की जगह जीरो पुट कर दो आर के कंपैरिजन में, तो ए को जब जीरो पुट कर दोगे तो आंसर ये नहीं आ जाएगा के पी अपॉन में आर का स्क्वायर। बोलो यस सर। क्लियर है क्या सबको? जिसको क्लियर है थम्स अप करो बच्चे, सबके थम्स अप आने चाहिए, या जिसको डाउट है वो हैंड रेस करो, या तो थम्स अप दिखने चाहिए या हैंड रेस दिखने चाहिए, बाकी कोई भी बच्चा खाली नहीं छोड़ेगा, बताओ मुझे, कोई भी बच्चा कुछ ऐसा नहीं होगा ना थम्स अप करेगा ना हैंड रेस करेगा। हाँ एक हैंड रेस आया, बाकी सबके थम्स अप आने चाहिए फिर मेरे पास, या हैंड रेस करो, बच्चे तो बहुत हैं। सर मैं स्क्रीन रुक गई सर, मैं एक मिनट में रिफ्रेश करके आया। कोई बात नहीं, बाकी सब करो, बाकी सब बच्चे 62-61 बच्चे हैं, 61-60 बच्चे हैं, 60 तो मेरे पास हैंड रेज सॉरी थम्स अप आए थे सिर्फ 20 अभी, वो भी कम हो रहे हैं। आगे करो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, या हैंड रेज करो या थम्स अप करो, हैंड रेज मतलब डाउट है, थम्स अप मतलब क्लियर है। चलो डाउट लेते हैं। हाँ अनिकेत और समर बताओ क्या डाउट है? सर पी के ऊपर वेक्टर लगाया तो वी के ऊपर वेक्टर तो आएगा नहीं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर, तो राइट हैंड साइड में लगाया, लेफ्ट हैंड साइड में लगाया तो। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर पी क्या है बच्चे? पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वी कैसी क्वांटिटी है? वी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर स्केलर क्वांटिटी। पी के ऊपर वेक्टर लगाऊं या ना लगाऊं ये भी बात आती है सर। लगा लो फिर। तुम कई बच्चे पूछते हैं कि सर पी पर वेक्टर लगाया तो वी पर क्यों नहीं लगाया, अब इसका आंसर भी दो फिर मुझे। सर वी स्केलर है। स्केलर है फिर वी स्केलर है। लेकिन सर तो है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके उसमें रिजल्टेंट में तो वेक्टर आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आंसर में तो वेक्टर आ रहा है लेकिन वो खुद वेक्टर नहीं है। हाँ समर बताओ कुछ कह रहे थे सर, यही समझ में नहीं आया कि क्यों लगाया। बताओ बाकी सब बताओ। सर पी के ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी के ऊपर वेक्टर लगा रहे हो लेकिन वी तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सर, क्योंकि पी एक इंडिविजुअल तरीके से देखे तो वेक्टर है, पर अगर वी को इंडिविजुअल तरीके से देखे तो स्केलर है। दोबारा बोलो, समझ अलग अलग दोबारा बोलो। जो पी है ना, जो मतलब पी है जो शॉर्ट मतलब डाइपोल मोमेंट है, वो अगर उसको इंडिविजुअल तरीके से देखे तो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम पोटेंशियल को देखे तो इंडिविजुअल तरीके से तो वो स्केलर है। तो हम यहां पे स्पेसिफिकली पी की बात कर रहे हैं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन उस बच्चे का डाउट ये है कि सर वी के फॉर्मूले में पी आ रहा है, पी लेकिन वेक्टर है तो वी वेक्टर क्यों नहीं है, ऐसा ही कुछ पूछना चाह रहे थे।
वी के ऊपर साइन क्यों नहीं आया, पी के ऊपर तो आ रहा है, वी के ऊपर नहीं आ रहा है ना, यही था ना डाउट। क्या कह रहे हो, तो पी की डायरेक्शन ही लेंगे फिर। वेरी गुड, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो, थोड़ा सा और। डायरेक्शन तो डायरेक्शन दी नहीं है इसमें, तो वी की डायरेक्शन ही होती। डायग्राम वी की डायरेक्शन कैसे होगी, क्योंकि वी इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल नहीं होती, सब पी की होती है। P की तो होती है, अब P पे तो वेक्टर लगा रहे हो, P इज अ वेक्टर, उसकी तो क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है, माइनस से प्लस प्लस तो प्लस। अब यही सोचने वाली दिक्कत है सर, ये कैसे सर, इसके फॉर्मूले में तो वेक्टर आ रहा है सर, लेकिन इसके अंत ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कैसे सर, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। फिगर तुम्हारे सामने है, फिगर से मिल जाएगा सर। क्या कह रहे हो, हाँ हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। डायरेक्शन डिफाइन नहीं है इसमें, वी की तो एल्जेब्रिक सम होता है इसका। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। डेफिनेट डायरेक्शन ही दी है इसमें, एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है बिल्कुल। और बोलो बच्चे, यहाँ पर जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसका पी का सर, बी के सामने पी की वैल्यू बहुत कम है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं बोलोगे वी के सामने पी की वैल्यू क्यों कम हो जाएगी, किस वजह से, पी की वैल्यू तो क्यू को टू ए से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है ना। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो तुम पी यूज कर रहे हो ना बच्चे, उसका क्या यूज करोगे, मैग्नीट्यूड यूज करोगे, मैग्नीट्यूड क्या यूज करोगे उसका, मैग्नीट्यूड। इसका एक और भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं अच्छे से, पहली बात तो ये दिमाग में निकाल दो, अगर किसी फॉर्मूले में एक वेक्टर आ रहा है तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो भी वेक्टर। सपोज करो दो वेक्टर का, तो हमारे पास सबको पता है एग्जांपल्स होते हैं कि वेक्टर आ सकता है, जैसे वर्क डन में दो वेक्टर आते हैं, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वर्क डन वेक्टर है, नो सर नहीं है, तो वेक्टर तो उनके फॉर्मूले में भी है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। ऐसे ही आर और एफ वेक्टर होते हैं, तो टॉर्क भी वेक्टर होता है, इसमें भी वेक्टर है लेकिन तीसरा वेक्टर आ गया, तो क्या इस चीज पे डिपेंड कर रहा है सर, नहीं कर रहा ना। लेकिन सर इन दोनों एग्जांपल में एक बात कॉमन है, क्योंकि वर्क डन कैसा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और जो टॉर्क होती है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ करते थे, इसीलिए उसमें वो उसकी डायरेक्शन है, वर्क डन की डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर तो ना तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, ना ना क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, ना डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है। अब कैसे कह रहे हो ये पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी सर, अब ये सोचने की बात है। और मैं इसी को डॉट प्रोडक्ट बना के भी दिखा सकता हूं तुम्हें, एक्चुअल में यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट भी यूज होगा, लेकिन वो अभी हम नहीं कर रहे हैं उस चीज के ऊपर डिस्कस, बट यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट बन भी सकता है अगर चाहोगे तो। चलो मैं इसको और हल्के से समझाने की कोशिश करता हूँ, पोटेंशियल का जनरल हम डॉट प्रोडक्ट में नहीं जाते, चलो मैं इसको भी डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला पढ़ाओ, वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहीं से निकला था क्या सब कुछ। Yes, sir. Yes, sir. Sir, work done is a scalar quantity or a vector quantity? Scalar. Scalar. Charge is a scalar quantity or a vector quantity? Scalar. Scalar. Potential कैसी होगी? तो potential क्या? Scalar. Alright. तो अब क्या potential के ऊपर vector लगेगा या नहीं लगेगा? No, sir. No, sir. Clear है क्या समर? एक बार रिपीट कर दो, मैं बोल रहा हूँ जो इसका बेस फंडामेंटल है, जब भी कंफ्यूजन हो जाए बेस फॉर्मूले पे चले जाओ, हालांकि मैं बोल रहा हूँ उसको भी हम डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हैं कन्वर्ट, और मैं करके दिखाऊंगा, अभी जनरल पॉइंट करेंगे ना तभी तुम्हें दिख जाएगा, पर मेरे को यहाँ पर आओ एक बार, वर्क इसके बेस फॉर्मूले पे आ जाओ, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल का के क्यू अपॉन में आर फॉर्मूला हमने इसी फॉर्मूले से डराइव किया था क्या? यस सर। तो डब्ल्यू कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन सर, स्केलर। चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। पोटेंशियल भी कैसी आएगी,
स्केलर स्केलर तो पोटेंशियल में क्या वेक्टर आएगा क्या साइन? नो सर, नो सर, याद रखना इस बात, क्लियर है? यस सर, यस सर। अब नेक्स्ट करते हैं, आज की सारी डेरिवेशन तुम खुद करोगे, अभी तुमने एक डेरिवेशन करी, उसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताए, इस पूरी डेफिनेशन में डेरिवेशन में कोई डाउट? कुल मिला के एक आंसर आया सर, क्या आंसर आया हमारे पास? ये वाला, सॉरी 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 सॉरी, क्या आंसर आया सर ये वाला हमारे पास, बताऊं मेरे पास क्या आंसर आया इसका? KP अपॉन में R square minus A, इसको भी हमने और तोड़ा तो आंसर क्या आया? ये R दिख रहा है, इसको P है, ये बच्चे KP अपॉन में R का square, यही आया ना? जब पॉइंट बहुत दूर होता है तो फॉर्मूला बन जाता है V is equal to KP upon R square, और कुल मिला के पोटेंशियल इज अ स्केलर। एक तो एक्सियल लाइन का कर दिया, अब करोगे इक्वेटोरियल लाइन का, दिख रहा है क्या इक्वेटोरियल लाइन का? यस सर, अभी भी वही करूंगा चार्ज की, पहले क्या कर दूंगा नंबरिंग, और अब क्या निकालूंगा? पहले वी वन, फिर क्या निकालूंगा? कर दूंगा सम, कर दो फटाफट बताओ आंसर, और याद रखना पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? V is equal to KQ upon R, सर KQ upon में R होता था, अच्छा KQ upon में R होता था सर, R होता था सर, अच्छा R क्या होता था? पॉइंट से चार्ज तक की दूरी, यस सर, डिस्टेंस, सब कुछ बता दिया ये तो, हालांकि मेरे को ये भी नहीं दिखती वन होना चाहिए था, मैंने दे दिया, ये भी निकाल सकते थे ना अगर ना होता पाइथागोरस थ्योरम? यस सर, यस सर, यस सर, हां करो, वी वन निकालो, वी टू निकालो और नेट वी निकालो। करो फटाफट, टाइम हो गया, इसके बाद एक डेरिवेशन हो रहा है, फिर छुट्टी तुम्हारी। सर यहाँ पे माइनस चार्ज लेना, माइनस लेना है, साइन तो कंसीडर करोगे ही, साइन कंसीडर नहीं किया तो सब गलत हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, ऐड करेंगे लेकिन साइन के साथ ऐड करेंगे, जैसे प्लस फाइव और माइनस फाइव हो तो आंसर जीरो आएगा ना, और प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, वी वन की वैल्यू बोल रहे हो? यस सर, के की जगह के, क्यू की जगह माइनस क्यू क्योंकि माइनस क्यू है, अपॉन में आर की जगह क्या करेंगे? पॉइंट से चार्ज तक की दूरी कितनी है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। वी टू की वैल्यू बताओ सर, मेरा आया kp upon r square plus a square 3 divided by 2, ठीक है, देखते हैं इसको पहले, लेकिन v2 की वैल्यू बताओ बच्चे सारे, आप भी मेरे को, kp upon under root r square plus a square, क्लियर है क्या सबको? v1 plus v2 करना है, v1 की वैल्यू पुट करो, क्या है? माइनस kq upon under root r square plus और v2 kq upon में under root r square plus a square, दोनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा बताना? ये भी सोचना पड़ रहा है क्या हमें? ध्यान से देखो क्या आएगा दोनों को ऐड करके? जीरो, जीरो, भाई क्या है ये, प्लस का कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? क्लियर है? यस सर, यस सर, तुम खुद ही देख लो ना, ये डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, चार्ज की वैल्यू भी सेम है, दोनों का एक का प्लस है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्लियर है? यस सर, इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो, जीरो, क्लियर है? कोई भी इशू, हल्का सा भी इशू किसी को? नो सर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चले आगे बच्चे, पक्का? यस सर, ये क्वेश्चन है, ध्यान से करना लेकिन इस क्वेश्चन को, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, अभी पांच मिनट का टाइम लो और इस क्वेश्चन को सोच के करना कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, सोच के करना।
तुमने C पर भी निकालना है, D पर भी निकालना है, लेकिन पहले C पर निकाल के दिखाओ पोटेंशियल। दो था जड़ में भी। अच्छा कितने बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि D पर आंसर जीरो आएगा? हरी, D पर जीरो। कौन कौन हैंड रेस करो जो कह रहे हैं D पर जीरो आएगा आंसर? अरमान, हरी, चार्ज तो लग गए, नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? चार्ज लग गए, चार्ज लग गया, नहीं आएगा। बच्चे डाइपोल के केस में जीरो आता है आंसर। डाइपोल का मतलब होता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो और अपोजिट। क्या यहाँ पर मैग्नीट्यूड सबका सेम है? देखो नो सर, नो सर। एक 2 माइक्रो कूलम का है और एक -4 माइक्रो कूलम का है सर। अब अगर डी पर आंसर जीरो लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यही यही अप्रोच, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा डाइपोल के बाहर डाला हुआ मैंने, दिख रहा है? डाइपोल के सीधा बाद में है और बच्चों को लग रहा है डाइपोल वाला केस है, आंसर लिख दो इस पर जीरो। यही चीज को दिमाग में रखना, डी पॉइंट एज अ डी पॉइंट। डी पॉइंट इक्विटोरियल तो है लेकिन 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 ये डाइपोल नहीं है एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? अब सर डेरिवेशन इसीलिए काम आती है बच्चे। अब क्या करना, पहले सी पॉइंट पे निकालते हैं। तो सी पॉइंट पे भी डाइपोल तो नहीं है ना ये? नो सर, पड़ेगा पहले सी पॉइंट पे निकालते हैं सर। तो हमने वही जो हमने डेरिवेशन में सीखा है ना, वही करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, करेंगे चार्जेस की क्या करते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग तो कर दो 1 और 2। और सी पॉइंट पे निकालना ना, तो पहले तो इनका डिस्टेंस लिख दो। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा पहले ये बताओ। 2a, तो 2a वैल्यू बताओ एग्जैक्टली कितनी होगी। 2 - 2 -2। ए से बी तक के डिस्टेंस को क्या बोलूं, बताओ बताओ बताओ। 4 नहीं बोलूंगा क्या सर? -2 का मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये कितनी दूर है, 2 सेंटीमीटर। और ये भी ओरिजिन से कितनी दूर है बचाओ, 2 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितने सेंटीमीटर हो गया, 4। और सी पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है, अब ये कौन बताएगा मुझे, देख के बताओ। 4 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सी पॉइंट भी कितनी दूर है ओरिजिन से, 4। तो तुमको सी पॉइंट पर निकालना है, तो पहले किसकी वैल्यू निकालोगे, V1 की, फिर V2 की, फिर V कैसे निकालोगे, V1 + V2। यही करते आए हैं ना बच्चे हम अभी तक? Yes, तो कर दो क्वेश्चन सोल्व करके बताओ मेरे को कैसे करोगे। V1 बताओ क्या लिखोगे, हाँ समर बताओ। सर ए तो मान लिया कि 2 सेंटीमीटर दूर है ओरिजिन से, पर सर बी कैसे है, 2 कैसे, सेकंड चार्ज देखो उसके कोऑर्डिनेट्स देखो कितना गिवन है, एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है उसमें, 2 मीटर। हाँ तो मतलब ओरिजिन से कितनी दूर है वो एक्स में, सर 2। तो इसलिए 2 लिखा, ये भी 2 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 2 सेंटीमीटर दूर है, तो टोटल कितने सेंटीमीटर हो गए यहाँ से, 4। ऐसे इसलिए, क्लियर? यस सर। हाँ करो फटाफट मेरे को V1 की, सारे स्टेप वाइज करना, सीधा आंसर नहीं, पहले V1 बताओ फिर V2 बताओ फिर आंसर बताओ। तो V1 की वैल्यू 1/2 के माइक्रो कूलम क्या ये है, V का फॉर्मूला होता है KQ/R में यार। अब बताओ K इनटू में Q1 की जगह क्या लिखूं, 2 - 6 कूलम, क्योंकि 2 माइक्रो कूलम है, डिवाइडेड बाय R की जगह क्या लिखूं बच्चे बताओ, 4। यही देखना है तुमने, R पॉइंट कहां से कहां तक का होता था, चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का जहां पर फील्ड हो पोटेंशियल निकालना है, और वो पॉइंट का नाम बताना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। अब नीचे आ जाओ, V2 की वैल्यू निकालो, सर K - 4 × 10⁻⁶। टू की जगह क्या लिख दू, 1 × 10⁻⁴।
ना वन नहीं सॉरी माइनस फोर इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स कूलम फोर इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स अपॉन आर की जगह क्या लिखूं टू क्योंकि बी से सी तक की दूरी है टू अब दोनों को क्या कर दूंगा सर ऐड कर दो तो के इंटू टू इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स कूलम डिवाइडेड आगे आ जाएगा फोर के इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स कूलम डिवाइडेड बाय टू क्लियर है क्या यस सर दोनों को ऐड कर दो कोई ऐसा करना चाहे तो ऐसा भी कर सकता है टू को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा टू के माइनस इंटू सिक्स तो टू के इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स कॉमन आ जाएगा क्या सीधा ही इसको मैंने काट दिया अंदर क्या रह जाएगा वन बाय सिक्स है ना माइनस माइनस में क्या टू एंड टू अपॉन सॉरी टू क्यों वन आएगा वन वन है ना वन क्योंकि टू के तो बाहर ही ले लिया ना हमने तो वन अब सोल्व कर लेंगे क्या इसको अपने आप क्या कह रहे हो चलो क्लियर है यस सर तो ठीक है ये हो गया इस लाइन पर एक्सियल वाली लाइन पर अब इक्विटोरियल यानी डी पॉइंट पर निकाल लोगे क्या अपने आप होमवर्क के लिए दे दें यस सर पर सब निकाल के आएंगे क्लियर है यस सर अब एक और रह गया डाइपोल की वजह से पोटेंशियल लेकिन वो ना तो एक्सियल पर हो ना इक्विटोरियल ये लास्ट है तुम्हारे फटाफट बताओ कैसे करते थे इसका मतलब कोई मेरे को अप्रोच बताएगा इसको हल्की सी जिसको याद हो और जिसको यहां तक अभी कोई भी डाउट है वो भी हैंड रेस कर ले और पहले मेरे को अप्रोच बताओ कि जनरल पॉइंट के लिए मतलब क्या होता था जनरल पॉइंट किसी भी एक पॉइंट पे इनफिनिटी से कोई जब चार्ज को लाते थे हाँ ना तो वो पूरी तरह से एक्सियल हो ना पूरी तरह से इक्विटोरियल तो सर ऐसा मान लें ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही टू है और वो एक पॉइंट कहीं हो यहाँ पी पर राइट यस सेंटर से पी तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ आर यही था क्या यस सर हाँ तो अब क्या करते थे इस एंगल को भी कुछ बोल देते थे क्या बोलते थे अब क्या करता था मैं बताऊ सर टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करना था थीटा कंपोनेंट में रिजॉल्व करना इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व एंगल को थीटा को नीचे को एंगल को सर एक और ड्रा करते थे एंगल को किसी क्वांटिटी को रिजॉल्व करते हो एंगल की फॉर्म में पी पी को वेरी गुड डाइपोल मोमेंट नेगेटिव पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होगी क्या पी यस सर तो अब इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे एक कंपोनेंट ये वाला इसको क्या बोल दूंगा P cos theta दूसरे वाला इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर sin theta sin theta इसको थोड़ा सा पीछे भी कर लो ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे अब मैं कहता था जिसको रिजोल्व कर दिया उसको हटा दो P को हटा दो P को रिजोल्व किया था अब दो P दो डाइपोल आ गए एक का नाम क्या है P cos theta दूसरे का नाम क्या है पहले ध्यान से सुनना जिसको हटाया पी को रिजोल्व किया ना पहले एक ही डाइपोल था जिसकी डाइपोल मूवमेंट थी बच्चे पी अब दो डाइपोल हो गए एक की डाइपोल मूवमेंट है पी कोस थीटा दूसरे की क्या है पी साइन थीटा हमने बात की थी ये वही वाला अब पी पॉइंट पी कोस थीटा वाले डाइपोल के लिए कैसा एक्ट कर रहा है एक्सियल क्यों एक्सियल बोल रहे हो क्योंकि उसी लाइन पर है क्योंकि पी कोस थीटा यानी डाइपोल मोमेंट और पॉइंट पी दोनों सेम एक्सिस पर हैं इसीलिए ये एक्सियल पॉइंट है अच्छा पी साइन थीटा और पी देख लो ये एक लाइन नहीं बन रही पूरी यस सर इक्विटोरियल बोलो कैसा बन रहा है इक्विटोरियल साइन थीटा के लिए पी साइन थीटा के लिए P sin theta के लिए P point कैसा act कर रहा है P sin theta के लिए कैसा act कर रहा है equatorial तो अगर P point पर potential निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर electric field निकालना होता तो ऐसे लिखता था under root E axial का square plus E equatorial का square
प्लस टू ई एक्सियल इनटू ई इक्विटोरियल कोस 90 कोस 90 जीरो था तो ये हट गया। लेकिन क्या मैं पोटेंशियल के लिए भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा क्या ऐसे बताओ? एडिशन के लिए था। हाँ वेरी गुड। ये सर किसके लिए था? वेक्टर एडिशन के लिए। लेकिन क्या पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी? नो सर। नहीं तो सीधा ही क्या कर दूंगा सर, दोनों को ऐड कर दूंगा सर। तो इसका मतलब अगर नेट पोटेंशियल निकालना है सर तो उसको ऐसे लिखूंगा वी एक्सियल प्लस वी इक्विटोरियल। और वी इक्विटोरियल क्या होता है? जीरो। बात ही खत्म। वी एक्सियल की वैल्यू लगा दो। क्या हुई थी अभी निकाली थी? केपी अपॉन, अगर पॉइंट बहुत दूर हो तो केपी अपॉन, देखो वी एक्सियल क्या आर स्क्वायर। लेकिन सर ये पी होती थी डाइपोल मोमेंट उसकी, लेकिन अब क्या ये पी पी के ही इक्वल होगी क्योंकि अब डाइपोल का तो दूसरा एक्सियल वाला कंपोनेंट क्या है? पी कोस थीटा आएगा। तो पी की जगह क्या लिख दूंगा? पी कोस थीटा। तो नेट वी का वैल्यू आ जाएगी के पी कोस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। कोई भी इशू हैंडल कर सकते हैं? नो सर। अब इसी से हम निकालते हैं एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों। ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया। अब एक्सियल, अच्छा थीटा किस किस के बीच का एंगल है सर? सर पी कोस थीटा और पी साइन थीटा का। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे। पी कोस थीटा और पी साइन थीटा तो कंपोनेंट है। थीटा देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं बन रहा। या तो इसको ऐसे बोलो डाइपोल मूवमेंट और पी पॉइंट के बीच का एंगल, या ऐसा बोलो हॉरिजॉन्टल और पी पॉइंट तक का एंगल। राइट, हॉरिजॉन्टल के साथ पी पॉइंट वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, वही तो है ना थीटा? थीटा, यस सर। है ना? अच्छा, अगर P पॉइंट एक्सियल इस लाइन पर आ जाता हॉरिजॉन्टल पर तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करता? तो 180 जीरो सर। इधर आ जाए, इधर राइट साइड जीरो 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 जीरो। उस टाइम पर P कहां पर आ जाएगा? एक्सिस पे, यानी कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? एक्सियल वाला। यस सर। तो देखते हैं, थीटा की जगह जीरो पुट करो। वी के पी कोस जीरो अपॉन में आर स्क्वायर। कोस जीरो कितना होता है? दूसरा केस करते हैं, थीटा की वैल्यू। अब पी पॉइंट को अगर इक्वेटोरियल पर लाना है तो थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो थीटा 90 फुट करो। वी के पी कोस 90 कितना होता है? कोस 90। पी की वैल्यू क्या इक्वेटोरियल पे जीरो नहीं आती थी? सर एक जनरल पॉइंट आ जाए हमें एक्सियल और इक्विटोरियल पता ही है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है ना सबको? यस सर। बस फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट है, याद रह जाएगा सबको। क्लियर है क्या? यस सर। आसान आसान था बिल्कुल टॉपिक। यस सर। ये है इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला के पी कोस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। कर लेंगे क्या अब हम? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, ये क्लियर हो गया पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन? यस सर। इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी जनरल पॉइंट, क्लियर है? अब तुम्हारा yes, तो ये है छोटा सा होमवर्क, और अब ये क्वेश्चंस होंगे, जो जो करने हैं वो मैं बता देता हूँ, ये नहीं करने अभी। ये करना है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? जिन जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन? यस सर। अच्छे से करके आना। yes, थर्ड क्वेश्चन करना है एज एन होमवर्क, ले लो क्योंकि कल तुम्हारी क्लास नहीं है ना। नो सर। नो सर। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन करके आना। फिफ्थ क्वेश्चन भी करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी करना है। बहुत अच्छा है सिक्स्थ क्वेश्चन। और बिल्कुल सेवेंथ भी करेंगे, करवा रखे सेवेंथ तो बहुत हद तक।
दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर, कुछ करने हैं, एक बार फर्स्ट को छोड़ देना बस, ठीक है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, सिर्फ फर्स्ट को छोड़ दो, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आज का टॉपिक इतना ही था, सब किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछो। सर जो आपने क्वेश्चन भेजे थे डाइपोल सीरीज के, बिल्कुल बच्चों ने मेरे से प्रॉब्लम भी लिया और मैंने उनको बताया बी टू बैच में, तुम बताओ तुमने करे हैं सबने ट्राई? सर मैं कुछ क्वेश्चन में डाउट है, बाकी दो कर लिए हैं पहले। जिन क्वेश्चन में डाउट है उसको ग्रुप में शेयर करो, हम पहले देखेंगे कि कौन कौन बच्चा उसको अटेम्प्ट करता है। बाकी तुम मैं को अभी हिंट भी दे दूंगा तुम्हें, बताओ कौन सा क्वेश्चन है सर? थर्ड। एक सेकंड, हम हिंट दे देते हैं आज सबको। बी थ्री बैच, बी टू बैच, थ्री बैच है ना अपना? क्वेश्चन नंबर थ्री, द डिस्टेंस बिटवीन वाला। यस सर, सर यही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली आयनाइज्ड एटम इज वन एम स्ट्रॉन्ग इफ द चार्ज ऑन द बोथ आयन इज इक्वल अपोजिट द डाइपोल मोमेंट इन कूलम मीटर। अरे देखो क्या बोल रहे हो, हिंट ले, इसमें हिंट क्या है? वैसे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा हिंट देते ही, पर देखो वो क्या कह रहा है, दो सिंगली आयनाइज्ड एटम्स हैं। सिंगली आयनाइज्ड मतलब एक एटम निकला हुआ है, समझ में आ रहा है? या एक एटम निकला हो सकता है या एक एटम आया हुआ हो सकता है, तो ये डाइपोल का केस नहीं बन गया क्या? क्यों क्यों मैंने एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, अगली लाइन में बोल रखा है चार्ज ऑन द बोथ आयन इज इक्वल एंड अपोजिट, देन द डाइपोल, और इनके बीच में सेपरेशन कितना दे रखा है बच्चे? वन एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट बतानी है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू मल्टीप्लाई बाय टू ए। टू ए मतलब क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, वो कितना गिवन है? कितना गिवन है? वन एमस्ट्रॉन्ग। वन एमस्ट्रॉन्ग, तो क्यू इंटू में वन एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10^-10 meters। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चे जिसका डाउट था? अब क्यू की वैल्यू पुट कर देना बस, सिंगली आयनाइज्ड, अगर एक प्रो एक पॉजिटिव चार्ज है तब भी 1.6 × 10^-19, एक नेगेटिव चार्ज है तब भी 1.6 × 10^-19, राइट भाई? एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कितना चार्ज आ गया होगा उस पे? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे है ना? Yes. है ना, चाहे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आंसर तो सेम ही रहेगा ना मैग्नीट्यूड का, तो 1.6 × 10^-9। अगर 2 पॉजिटिव होता तो क्या आंसर आ जाता? 2 × 1.6 × 10^-19। चार्ज की जगह कह रहा हूँ ये पुट करते, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉजिटिव है तो सिर्फ क्या लिखोगे? 1.6 × 10^-19। क्यू भी है एक, 2a की वैल्यू भी गिवन है। क्लियर है क्या बच्चे जिसका डाउट था ये? हाँ ना बोलो, किसका डाउट था ये? यस सर। यस सर, सर नेटवर्क इशू हो रहा था बीच बीच में। कोई बात नहीं, याद रखना कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा ना कि मैंने डिस्टेंस की वैल्यू को 2 × 1 एमस्ट्रॉन्ग क्यों नहीं रखा, कोई बच्चा ये सोच रहा है? बच्चे हमने दो चार्ज का फॉर्मूला लिया था ना, याद करो। यस सर। जो हमने चार्ज का फॉर्मूला लिया था मतलब सॉरी प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस लिया था 2a, लेकिन इस केस में बीच के डिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 एमस्ट्रॉन्ग, यानी वैल्यू ही दे रखी है सीधा की सीधी, क्या? 1 एमस्ट्रॉन्ग। तो q into 2a, 2a की जगह सीधा ही लिख दोगे क्या? 1 एमस्ट्रॉन्ग। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है, चलो। और कुछ था क्या क्वेश्चन किसी का, बताओ? नहीं है और कोई क्वेश्चन? इसको करो पूरा अच्छे से, जिसको कोई भी डाउट हो वो मेरे से पूछेगा। क्लियर है? Yes. Yes, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, देख लेना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करोगे ठीक है? फर्स्ट भी वैसे कर सकते हो तुम, बहुत मुश्किल नहीं है फर्स्ट, आसान है, बस तुम्हें थोड़ा सा अलग लगेगा, हालांकि है कुछ भी नहीं उसमें, ट्राई कर लेंगे। हाँ पहले, लेकिन सेकंड से सेवन्थ करना अच्छे से, उसमें तो कोई इशू नहीं आना चाहिए किसी,
ओके सर, हम इतना ही करेंगे बच्चे, जिसका कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी जा सकते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट। जो मैंने दो क्वेश्चन किए सर, वो मैंने कंफर्म करने भी ठीक है, गलत दोबारा बोलो सर, मैंने अपने क्वेश्चन कंफर्म करने भी गलत है की ठीक है की सही गलत है, मुझे सेंड कर देना आप ग्रुप में, सेंड करो सबसे बढ़िया बात, ठीक है, जो अपना ग्रुप है ना B3 वाला, यस सर, उसमें सेंड करो, सब बच्चे देखेंगे उसमें, और सब बच्चे बताना मुझे गलत है ठीक है, और तुमने जो किया उसको मैच करना, ठीक है, और फिर हम लास्ट में हम देखेंगे, मैं रिप्लाई देखूंगा सबके, उसके बाद हम आंसर भी बता देंगे सॉल्यूशन करके उसका, ठीक है, डन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, समझ नहीं आया तो अगले दिन आके क्लास में भी डिस्कस करो। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे, मेरी ऑफ कर दूं रिकॉर्डिंग, किसी का कोई डाउट नहीं है सर? मेरे को सर ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल का लिंक चाहिए था। B2 और B3 की तो सारी वीडियोस आ गए हैं बच्चे मेरे पास, ठीक है, मतलब मेरे पास ही हैं। B1 का थोड़ा सा इशू चल रहा है, मैं देख रहा हूँ उसका भी, अब से सारा हो जाएगा क्लियर, तो आपके तो आपको मिल जाएंगे, मतलब मेरे पास सेव्ड हैं, क्योंकि मैंने जो बोला था वो हो नहीं पा रहा है, यूट्यूब पे डल नहीं पा रहे, तो मैं अपनी पर्सनल लिंक से आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, या फिर कल कर दूंगा या कल सुबह तक कर ही दूंगा, क्योंकि ना बच्चों को इशू आ रहा है, तुम देखते हो क्या वीडियोज़?